is contour integration. This is the last topic of your chapter. Before starting this topic, we must understand some concepts. The first concept is Euler's theorem. E to the power I theta. क्या पढ़ा था हम? Cos theta plus iota sine theta. E की power minus I theta. Cos theta minus iota sine theta. हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन z को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? हाउ डू वी रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स फंक्शन जेड इन पोलर फॉर्म? आर ए टू ई टू आर आई. लेट्स से रेडियस इज 1, देन इट इज ई टू द पावर आई थीटा. वैसे ही रिप्रेजेंट होता है. व्हाट अबाउट डी जेड बाय डी थीटा? आर ए टू ई टू आर आई. व्हाट अबाउट डी जेड? व्हाट अबाउट डी थीटा? In the place of e to the power I theta, I can substitute dz. Whenever you are supposed to substitute the value of d theta, always remember this value. Dz divided by iz. In the place of d theta, we are always going to substitute dz divided by iz. Where do we use contour integration? There exists some special type of specific real functions, definite integrations, where we can apply residue and Cauchy integral formula. Often we apply residue theorem. And we always consider 0 to 2 pi integration. What do we consider? 0 to 2 pi integration. Okay? First, recall all these things, then I will cover what actually we perform in contour integration. Yeah. रेडियस वन होगा तो आर वन लेंगे. कंटूर इंटीग्रेशन में हम एंटायर 0 टू 2 पाई एंगल में वर्क करते हैं और रेडियस हमेशा यूनिट सर्कल मान के वर्क करते हैं. ठीक है, कौन सा सर्कल लेके वर्क करते हैं कंटूर इंटीग्रेशन में? यूनिट सर्कल, वेदर इट इज गिवन आर नॉट. मतलब ये भी बात याद रखो कि यदि कोई भी रेसिड्यू, कोई भी सिंगुलर पॉइंट यूनिट सर्कल के बाहर चला गया तो वो हमारे काम का नहीं है, उस पे वर्क नहीं होगा. डू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट? इज इट ओके? हमने जेड ई की पावर आई थीटा माना, यूनिट सर्कल हमने कंसीडर किया है, हम वर्क कर रहे हैं मॉड जेड इज इक्वल टू 1 पर. ऑब्वियसली ई टू द पावर आई थीटा हम इंडिकेट करेंगे. मॉड जेड इज इक्वल टू आर होता आर ई की पावर आई थीटा. ठीक है, तो हमने जेड लिया ए की पावर आई थीटा, डी जेड बाई डी थीटा आ गया आई की पावर आई थीटा और डी थीटा डेवलप हो गया डी जेड बाई आई जेड. इन दोनों को हम एड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2 कॉस थीटा. तो कॉस थीटा क्या मिलेगा? ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा डिवाइड में 2. यदि मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं जेड और इसकी रख देता हूं 1 बाय जेड, ये मिल जाएगा तुम्हें कॉस थीटा. मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम कॉस थीटा की ये वैल्यू भी रिकॉल करके चलो, जेड प्लस 1 अपॉन जेड. जब भी जरूरत होगी तुम्हें बतानी होगी ये वैल्यू. और सिमिलरली यदि मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे मिलेगा e की पावर i थीटा माइनस e की पावर माइनस i थीटा इज इक्वल टू 2i sin थीटा. अगेन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम रिकॉल करके चलो, sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2 i डिवाइड में i आई ई की जेड माइनस 1. When we solve contour integration, the problems look like this one. 0 to 2 pi. Always we work with this particular limit. हमें हमेशा 0 to 2 pi limit ही given होगी. F, यहाँ पे हमें cos theta sin theta का function मिलेगा. D theta. हमें इस entire चीज को एफ जेड डी जेड में कवर करना है और कर्व क्या मान के वर्क करना है? मॉड जेड इज इक्वल टू 1. यही मैंने बात अभी कही थी, मॉड जेड इज इक्वल टू 1 पे वर्क कर लिया. हमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हमें कॉस थीटा को एफ जेड में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा को एफ जेड में कन्वर्ट करना है, डी थीटा को एफ जेड में कन्वर्ट करना है, 0 से 2 पाई को एफ जेड में कन्वर्ट करना है. तो 0 से 2 पाई को मैंने कैसे एफ जेड में कन्वर्ट किया? मैंने यूनिट सर्कल कंसीडर किया, मॉड जेड इज इक्वल टू 1.
इज इट ओके, आया समझ में इतना? अब यहां पे हमने और क्या वर्क किया है, हमने वर्क किया है डी थीटा इज इक्वल टू, क्या निकाला था हमने, डी जेड डिवाइड में आई थे कॉस थीटा इज इक्वल टू वन डिवाइड में टू जेड प्लस वन बाय जेड एंड साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय टू आई जेड माइनस वन। इस तरीके से हम किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन को, रियल वैल्यू डेफिनेट इंटीग्रेशन को fz में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड वंस वी कन्वर्ट देम इनटू fz, हम वहां पे क्या लगा सकते हैं बच्चों, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा सकते हैं या रेसिड्यू थ्योरम लगा सकते हैं। जनरली हम रेसिड्यू थ्योरम ही प्रेफर करते हैं। तो कंटूर इंटीग्रेशन एक तरीके से रेसिड्यू थ्योरम का एप्लीकेशन है, ठीक है, पर डायरेक्ट रेसिड्यू थ्योरम हम यहां पे नहीं लगा पाते। पहले उसमें रेसिड्यू थ्योरम लगाने का एक प्रोसेस होता है, पहले हम उसको ऐसा कन्वर्ट करते हैं कि रेसिड्यू थ्योरम लगाया जा सके। इज इट ओके, इतना तुम समझ गए हो तो मैं एक प्रॉब्लम से स्टार्ट कर सकता हूं। ओके, द प्रॉब्लम इज इंटीग्रेट 0 टू 2 पाई 1 डिवाइड बाय 2 माइनस कॉस थीटा पी थीटा। एज आई हैव अर्लियर मेंशनड, यू आर सपोज टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू fz सो दैट यू कैन अप्लाई रेसिड्यू थ्योरम। We start with cos theta here. How to convert cos theta into fz? 1 by 2 z plus 1 by z. We substitute this value in the place of cos theta. Assume as it, we substitute z square plus 1 divided by 2z in the place of cos theta. We substitute d theta equal to 1 divided by I z d z. Is it okay? And in the place of this 0 to 2 pi, if theta varies 0 to 2 pi, our mod z varies, our mod z is written in this way. We consider unit circle. The curve is considered to be of unit circle. That means we will consider only those residues which lies within unit circle. The residues that lie outside the curve, outside the unit circle, will not be considered. Is it okay? Yes, sir. Let's form fz first. Integral 0 to 2 pi 1 by 2 minus cos theta d theta can be written as integral c, where curve is mod z is equal to 1. 1 divided by 2 minus, in the place of cos theta, I'm going to write z square minus, plus 1 divided by 2z. In the place of d theta, I'm going to write 1 divided by iz dz. Is it okay? Now I will solve this arches portion. Integrate 1 divide, I consider 2z as LCM. I will obtain 2 to the 4z minus z square. It is actually in bracket, you should consider minus 1. And here it is. You may cancel out these two terms. And now you have 2 divided by I. I have considered this 2 and this I, and consider one more thing, minus. And if you do this, you will get z square minus 4z plus 1 dz. Let's say it is equation number first.
Is it okay? That means the same integral that I have considered can be written in this way as f is it function. Now you all know how to solve this function. Now I will consider solution of this portion. I want solution of this portion. It is similar to the problems that we had solved in yesterday's lecture and day before yesterday. Okay, you have determined the value of j. What is it? 2 plus minus root 3. That means z1 is equal to 2 plus root 3 and z2 is equal to 2 minus root 3. Is it so? If you solve this quadratic equation, you will be able to get j. Okay, it's so simple to solve this one. Make use of quadratic formula, Sridharachar formula. Is it okay? That means you may write this entire function is in fact fz. How many poles are present here? The first one is z is equal to z1 and second one is z is equal to z2. Now you have to decide whether all the poles are within the circle or not. I have considered the circle of radius 1. Do remember, the circle of radius 1 is considered. If I consider 2 plus root 3, root 3 is 1.732. 2 is 2 plus 1.732, 3.732, that is here. It lies here. But 2 minus root 3 lies inside the circle. I have to consider only one residue. That lies at pole 2 minus root 3. I don't have to consider residue at 2 plus root 3. Find the residue at z2. How to determine residue at z2? Limit z tending to 0. Is it 0 or z2? Z tending to z2, z minus z2 into fz. What is fz? Z minus z1 into z minus z2. You may cancel out z minus z2. If you substitute the value of z2, you will get z2 minus z1. What is the value of z2 that you have obtained? 2 minus root 3. What about z1 that you have obtained? Minus 2 minus root 3. What is the value? Minus 2 root. And what do you know about the integration? Integral of any fz, any function, is 2 pi I into sum of residues. But right now you should consider only the single residue, that is at z2. You can't consider z1 because it lies outside the unit circle. 2 pi I and sum of residue is minus 2 root 1 divided by minus 2 root 3. You may cancel out. It is minus pi I by root 3. Minus pi I by root 3. Let's say it is second equation. Now if you consider first and second, you may say integral, definite integral 0 to 2 pi 1 divided by 2 minus cos theta d theta is equal to minus 2 by i multiplied with integration of this part. What is the integration of this part? Minus pi i by root 3. You may cancel out I, you may cancel out minus. The answer is 2 pi by root 3. This is your answer. Is there any doubt? This is in fact an application of residue theorem. The first step is make function in a position where we can apply residue theorem. सबसे पहला प्रयास है कि हम function को उस form में लाएं जहाँ पे हम residue लगा पाएं. जिसके लिए तुम्हें recall करना होगा cos theta में ये conversion,
डी थीटा में ये कन्वर्जन, कर्व में हम यूनिट सर्कल कंसीडर करेंगे, मेक यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर. इज देयर एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? नाउ इफ यू हैव स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट, यू मे सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ. थैंक यू. तो सेकंड स्टेप के मतलब जो सेकंड लिखा है ना उसके नीचे समझ में नहीं आता, डी थीटा डी दैट की वैल्यू कुछ कर दी, दैट इक्वल टू डी थीटा इनटू आई, यहां पे आ जाओ माइनस टू बाय आई और इस पूरे की वैल्यू. अच्छा बस यही खेल है यहाँ पे. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं. फाइव माइनस फोर साइन थीटा था क्या? आंसर इज 2 पाई बाय रूट 3. इट्स योर होमवर्क एंड अदर क्वेश्चंस आर आल्सो योर होमवर्क. सर इसमें z की वैल्यू i के फॉर्म में, हां i के फॉर्म में आने दो, मैं करा दूं? नहीं सर, तो फिर इसमें मतलब चलो मैं करा देता हूं सर. ट्राई करेंगे सर, तो से पूछना है कि अब ये से कंटूर के बाहर जा रहा है अपने सर्कल के. बेटा कंटूर i में भी होता है, होल के बाहर कंटूर ऊपर y एक्सिस को हम i से डिनोट करते हैं. ये तुम्हारी पास है i मतलब वो माइनस z की वैल्यू आ रही है 5y plus 20 root 29 by 2. चलो मैं कर देता हूँ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ. तो ऑफ दिस प्रॉब्लम द सेम कॉन्सेप्ट्स आर एप्लीकेबल हियर एज वेल. यू हैव टू सब्स्टिट्यूट d थीटा इज इक्वल टू dz डिवाइड बाय i z. sin थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 i z plus 1 by z. Is it okay? Substitute all these values. You will get 0 to 2 pi. Sir, z minus 1 by 2. Okay, that's all right. Z minus 1 by 2. 5 minus 4 sin theta d theta. What can we write here? What is the curve that we consider? Mod z is equal to 1. We have to consider unit circle only. 1 divided by 5 minus 4. In the place of sin theta, we write 1 divided by 2i z minus 1 by z, and in the place of dz we d theta we write dz divided by i z. We can even write z square minus 1 by z here, z square minus 1 by z here. That simply means it is okay. Focus over here, just take it. 5 minus 2 to the 4, 2 divided by i, z square minus 1 divided by z, and it is dz divided by i z. Okay, concentrate on the board. It is 5 i z minus 2 z square plus 2 divided by i z, and it is dz divided by i z. You may cancel out i z, and here you have 1 divided by minus 2 z square plus 5 i z plus 2 dz. Make use of quadratic equation by making the coefficient of z square 1 only. Do remember this concept here. यहाँ पे ये concept याद रखो. Quadratic कब लगाओ? Z square के coefficient को 1 बना के हमेशा. तो क्या करना चाहिए यहाँ पे हमें? Minus 1 by 2. Common ले लिया हमने z square plus प्लस 1 डी जेड 2 आई जेड 1 और जेड 2 आई बाय 2. लेकिन याद रखना बेटा यहाँ पे हम कोफिशिएंट हमेशा क्या बनाएंगे पहले 1. अरे सर वो जो माइनस 16 है ना वो प्लस का 16 बनेगा, प्लस का 16 बनेगा अब, क्योंकि चेंज हुआ है. दोनों दोनों जगह पे तुम्हें क्या निकालना है? रेसिडियो दोनों जगह पे निकालना है क्या?
केवल आई बाय टू पे निकालना है। इसमें क्यों नहीं निकालना? क्योंकि ये बाहर चला गया। टू आई यहाँ चला जाएगा, आई बाय टू यहाँ आएगा। केवल आई बाय टू पे हम वर्क करेंगे। जेड टू पे निकालो, लिमिट जेड टेन इंटू जेड टू, जेड माइनस जेड टू इंटू वन अपॉन जेड माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड टू। तो माइनस के 4 पाई आई यहाँ पे आ गया, 1 डिवाइड में जेड टू, जेड टू मतलब आई बाय टू माइनस जेड वन मतलब 2 आई। बोलो सॉल्व करके। 2 बाय माइनस 2 बाय 3 आई। तो 2 पाई बाय 3 हो गया। आया इतना समझ में? अब इस वैल्यू को हम कहाँ रख दें? 2 पाई आई का मल्टीप्लाई करने पर। तो कौन सा इंटीग्रेशन आ जाएगा? तो पूरा ही आ जाएगा। ये वाला इंटीग्रेशन पूरा ही आ जाएगा, क्योंकि कोई चीज हमने बाहर मल्टीप्लाई नहीं किया है। नहीं किया, 2 किया है ना, सर 1 बाय 2 किया है सर, 2 पाई बाय 3 आएगा। इसको फर्स्ट मानो, रिज्यूम इट फर्स्ट। एंड नाउ आई भी तो था, नहीं आई नहीं था, ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 2 2 पाई आई, और रेसिड्यू केवल एक ही है हमारे पास, माइनस 2 डिवाइड में 3 आई। 2 पाई बाय 3 आना, आई से आई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस, तो क्या आ गया 2 पाई आई। आई क्यों आएगा बेटा? आई आई कैंसिल हो गया, 2 पाई बाय 3।